गाइज़, वेलकम टू माई चैनल सोमैटो रोड कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, क्या करंट एनर्जीज है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंक है, टैरो कार्ड से देखेंगे। सो डियर गाइज, सबसे पहले कहना चाहूँगी ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग, हज़ारों लोग इस रीडिंग को देखेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर रीडिंग देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर आपके साथ रेजोनेट हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग डियर गाइस। तो ये रीडिंग अगर सडनली आपके सामने आ जाए, सडनली अचानक से आपके सामने आ जाए, तो समझ लीजिएगा ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है। इसमें जो मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए है, एंजल्स की मैसेजेस हैं जो आपके लिए हैं। बहुत ज़रूरी थे, शायद इसीलिए आपके सामने आए। वैसे भी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ उसी के सामने आएगी जिसके लिए होगी, जो देखना चाहता है। सो ओके, वाओ, नाइस रीयूनियन। आपको देख रहे हैं इस कार्ड को, ये मेरे सामने सडनली आया है इस टैरो कार्ड को, और देखिए एंड यहाँ पर लिखा हुआ है रीबर्थ, यानी कि नई शुरुआत। अब ये जो एनर्जीज आ रही है डिफाइंड, मेरे को जो इससे वाइब्रेशन मिल रही है वो यहाँ पर ये मिल रही है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी आपसे नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, किसी बात को लेकर हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में नाराज़गी हो गई हो, वो आपसे गुस्सा होकर आपसे दूर चले गए हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सडनली आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे को दिख रही है, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ मिल रही है वो यहाँ पर ये मिल रही है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि मैं आप तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज़ ऐसी भी दिख रही है जैसे कि वो आपके पास आना तो चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स तो हो रही हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद आपसे मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा शायद आपसे लव करते हैं, इसलिए ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि बिना आपके रह नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपसे मिलने का मन है, जो भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है कि रीयूनियन ये तो करना चाहते हैं रीयूनियन, लेकिन सेकंड एनर्जी जो मुझे अभी वाइब्रेट हो रही है वो यहाँ पर ये हो रही है कि रीयूनियन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा है, कुछ तो ऐसे इशू आ रहे हैं जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा अटक गया है आपका रिलेशन, स्टक हो गया। अभी उसी एनर्जीज़ को ज़रा डिफाइन करेंगे। सो आप सभी लोग मेरी इस रीडिंग को देख सकते हैं, जो भी देखना चाहे, सभी के लिए है टैरो कार्ड रीडिंग। राशियाँ मैं इसमें बता दूंगी, तो राशियों के हिसाब से आप एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं। इफ़ एनी कंडीशन राशियाँ नहीं आपको समझ आती हैं या राशि नहीं आपकी मिल रही है, तो आप कार्ड से भी एनर्जीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज़ मिल रही है, तो सबसे पहली एनर्जीज़ तो यहाँ पर मिल रही है कि देखिए कुछ नाराज़गी आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, जिससे आपके पार्टनर गुस्सा होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो वो शायद आपसे चाह रहे हो कि ये चीज़ आप कर दो, या फिर ये बात मेरी मान लो, लाइक कोई भी चीज़, या फिर कुछ बातों से शायद उनका दिल दुखा है या आपका दुखा है, तो आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस, नाराज़गी हो गई है। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से रीयूनियन चाहने के बाद भी कहीं ना कहीं रीयूनियन हो नहीं पा रहा है। सेकंड थिंग मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है, वो यहाँ पर ही आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी जो कि आपको और आपके पार्टनर के बीच को दूर कर रही है, यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज़ मिल रही है, जैसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स में इतना लव है आपके लिए, इतनी मोहब्बत है आपसे, आपके बिना वो रह नहीं सकते हैं, आपकी बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं, 24 आवर्स उनके माइंड में थॉट आपके लिए आते रहते हैं। साइलेंस हो चुका है इस समय आपका और उनका रिश्ता। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है कि साइलेंस हो चुके हैं आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, यहाँ पर आप साइलेंस कार्ड से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइलेंस हो चुका है आपके और उनके दोनों के बीच की जो बातचीत है, एंड आपका जो रिश्ता है वो इस टाइम पर डाउन एनर्जीज़ में आ रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो मोमेंट टू मोमेंट डाउन एनर्जीज़, एक इंसान है जो नीचे की साइड उतर रहा है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो रिश्ते में एनर्जीज़ डाउन की तरफ आ रही है, आपकी तरफ नहीं आ रही। अब जब आपकी तरफ आती है तब फिर रीयूनियन या फिर रिलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक न्यू बिगिनिंग या फिर साथ को बताती हैं, एक सेलिब्रेशन को बताती हैं, एक हैप्पी रिलेशन को बताती हैं। बट डाउन की तरफ जो एनर्जीज आती हैं
वो यहाँ पर दिख बताती है, शो करती है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर कोई तीसरा इंसान है आप दोनों के बीच में जो पूरी तरीके से बैठ गया है कि भाई हाँ मैं एक नहीं होने दूंगा। तो ये एनर्जीज़ मुझे शो आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रीयूनियन का कार्ड है, मीन्स बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं एंड पूरी तरीके से अपनी लॉयल्टी से, ईमानदारी से वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि कुछ जिम्मेदारियाँ हैं इनकी आपके प्रति, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इनको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी ज़िम्मेदारी है, या मैंने कमिटमेंट किया था तो मुझे अपने कमिटमेंट पूरा करना चाहिए, ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर आपसे अलग होकर दिन रात आप ही के बारे में सोचना, ये चीज़ों को मैं देख रही हूँ, मन नहीं लगता है आपके पार्टनर का काम में, या फिर कोई भी चीज़, हेल्थ इशूज़ मुझे दिख रहे हैं कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस आपके बारे में सोच सोच के लेते, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनको शायद लो बीपी या फिर चक्कर आना या फिर सर दर्द की एनर्जीज आ रही है, सो नहीं पाते हैं क्योंकि धीरे धीरे डाउन एनर्जीज आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि आपके दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं, जिससे कि यहाँ पर रिवेल की एनर्जीज आ रही है कि भाई मैं गुस्सा होकर बैठ गया हूँ, अब मैं जब भी सारी चीज़ें ठीक करूँगा या फिर जब भी मैं ब्लॉक से अनब्लॉक करूँगा, जब या फिर मैं जब भी बात करूँगा, जब हमारे बीच की जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी, या फिर जैसी भी चीज़ की वजह से नाराज़गी है वो नाराज़गी जब तक दूर नहीं होगी तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा, तो यहाँ पर मेरे को एनर्जीज यहाँ पर ये शो हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये भी आ रही है कि आप लोगों के बीच में एक थर्ड पार्टी है, कोई भी थर्ड पर्सन, अब वो फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है, जिसको आपके पार्टनर ने बहुत रिस्पांस देना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा। अब वो पार्टी थर्ड पर्सन क्या हो रहा है कि उतना रिस्पांस देने की वजह से आपके पार्टनर क्या करते हैं कि मतलब हर चीज़ में उसी को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी बात पहले सुनते थे लेकिन अब क्या होने लगा है कि आपसे शेयर नहीं उनसे शेयर करते हैं थर्ड पार्टी से, अब वो थर्ड पार्टी जो भी एडवाइस करती है वो सारी चीज़ें आप लोग के बीच में डिस्टर्ब हो रही हैं, शेयर कम करना, आपसे बातें करना, बात ही कम होती है तो शेयर भी नहीं करते, दूसरी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में गलत फहमियाँ भी डाल रही है, जिसकी वजह से भी आप लोगों का रिश्ता जो है वो यहाँ पर लगभग जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गया है, क्योंकि आपका पार्टनर शेयर ही नहीं कर रहा है आपसे वो चीज़ें जो आप समझा सको, बोल सको, बता सको। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप ने एडवाइस भी किया हो कि थर्ड पार्टी हमें तोड़वाना चाहती है, लड़वाना चाहती है, अलग करवाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि वो किसी चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आपके पार्टनर। तो जिन्होंने थर्ड पार्टी ने उनको इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी, तो वो थर्ड पर्सन की क्या कर रही है कि वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा हावी होता चला जा रहा है आपके रिश्ते पर, जिसकी वजह से भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है यहाँ पर आप देख रहे होगे। तो ये थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा रिश्ते में डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन यहाँ पर चेंज को बता रहा है कि ये चेंज बता रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके दोनों के बीच से जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एनर्जीज यहाँ पर रीयूनियन की है, तो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पर रीयूनियन की चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम दिख रहा है, अब वो टाइम जो है वो कितना है वो अलग अलग देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है क्योंकि सन का कार्ड है विद रीयूनियन के साथ, तो यहाँ पर जो है वो रीयूनियन आपका ज़रूर होगा, थर्ड पर्सन जो बीच में है आप लोगों के बीच में वो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट किया हो, पर्सनली कॉन्टेक्ट करना हो तो मैसेज के जरिए ही करें, कॉल ना करें, एंड टेक केयर, बाय बाय।